दोस्तों ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय वस्तु है संध्या होने के बाद शिव जी का अभिषेक किया जाता है कि नहीं। एक नहीं दो दो प्रमाण आपके सेवा में आज मैं रखने आया हूँ। एक प्रमाण स्पेशली शिव जी के संदर्भ में मैं आपकी सेवा में रखने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, और जो मैं दूसरा प्रमाण आज देने वाला हूं वह नियम एक साथ सभी देवी देवताओं के लिए एप्लीकेबल है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण आज मैं सिद्धांत जो है हमारे धर्म ग्रंथ में संध्या होने के बाद प्रभु के अभिषेक के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर हमारे धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया है वह मैं आपकी सेवा में रखने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, शिव जी का अभिषेक संध्या होने के बाद करना चाहिए या नहीं, इस विषय वस्तु को हम सबसे पहले देखते हैं। लिंग पुराण के 23वें अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है। वह श्लोक का अर्थ है यदि कोई भी व्यक्ति शिवलिंग की पूजा प्रातः काल में करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कब? जब वह प्रातः काल में शिवलिंग की पूजा करता है, अर्चना करता है, धूप दीप अर्पित करता है, नैवेद्य चढ़ाता है, उनका अभिषेक करता है, किसी भी प्रकार से पंचोपचार पूजा हो, षोडशोपचार पूजा हो। वही पूजा जब व्यक्ति दोपहर के समय करता है, मध्याह्न काल में करता है, तो उसे यज्ञ करने की तरह पुण्य मिलता है उस व्यक्ति को, किसको? जो मध्याह्न काल में शिव जी की पूजा अर्चना करता है। जो व्यक्ति संध्या काल में शिव जी की पूजा करता है, दिन ढलने के बाद शिव जी की पूजा करता है, उसे सुबह के समय, प्रातः काल के समय और मध्याह्न काल के समय, दोपहर के समय, दोनों तरह के पूजा का फल एक साथ मिलता है। यह लिंग पुराण का 23वां अध्याय कहता है। सभी देवी देवताओं में स्पेशली प्रदोष काल में शिव जी के पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। 24 घंटे को ना 8 अलग अलग प्रहर में बांटा गया है। 24 / 8 = 3। 24 घंटे को 8 प्रहर में बांटा गया है। यदि हम 24 को 8 से भाग देते हैं तो 3-3 घंटे का एक एक प्रहर आता है। दिन के समय का 4 प्रहर और रात्रि के समय का 4 प्रहर। जब दिन के समय का 4 प्रहर समाप्त हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जब 4 प्रहर समाप्त हो जाए, तो सूर्यास्त के बाद जो सबसे पहला प्रहर आता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। और तो और हमारे धर्म ग्रंथ में तो यहाँ तक बात कही गई है कि संध्या के समय सभी देवी देवता, सेंटेंस रिपीट करता हूँ, संध्या के समय सभी देवी देवता शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है दिन ढलने के बाद, संध्या के समय, रात के समय शिव जी के अभिषेक का, शिव जी के पूजन पाठ का, शिव जी को नैवेद्य अर्पित करने का, शिव जी को फूल बिल्व पत्र शमी पत्र अर्पित करने का। शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं दोस्तों। अब मैं एक अगला विषय वस्तु आपके सेवा में रखने जा रहा हूं, जिसमें न केवल शिव जी बल्कि सभी देवी देवता इस नियम को आप सभी 33 कोटि देवी देवताओं के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नियम है। उसके पूर्व दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध करता हूँ, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसकी अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें। उसके शरण में रहना बहुत जरूरी है।
चलिए, धर्म ग्रंथ हमारा यह बात कहता है कि ईश्वर की पूजा वैसे ही करें जैसा रहना आपको पसंद है। बहुत बहुत ही आसान सा नियम है, ईश्वर की पूजा वैसा ही करें जैसा आपको स्वयं रहना पसंद है। उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। आप दिन में दो बार भोजन करते होंगे, एक बार नाश्ता करते होंगे। प्रभु को भी दिन में दो बार भोजन कराएं, एक बार नाश्ता कराएं। ठंड के दिन में आप साल स्वेटर ओढ़ते होंगे, पहनते होंगे। अपने घर में भी विराजित देवी को, देवताओं को साल स्वेटर रात को सोते समय अवश्य पहनाएं। गर्मी का दिन आता है, चलिए ठंड में बरसात में आप दिन में एक बार नहाते हैं, मैं मान लिया। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में तो दो बार नहाते होंगे। उस समय आप भी अपनी देवी देवताओं को दो बार स्नान करावें, दो बार उनका अभिषेक करावें, जैसा आपको रहना पसंद है। साल में दो बार तीन बार अपने लिए नए कपड़े लेते होंगे, ईश्वर के लिए भी कम से कम साल में दो बार तीन बार चार बार उनके लिए भी नए कपड़े लें। तीज त्यौहार में आप उन्हें भी नए वस्त्र समर्पित करें। हफ्ता 15 दिन में एक बार घर में आप कुछ विशेष चीज अपने घर में बनाकर खाते होंगे, प्रभु के लिए भी वैसा ही प्रसाद लगाएं। साल में चार बार छह बार बड़े बड़े होटलों में भोजन करने के लिए जाते होंगे, लंच के लिए, डिनर के लिए। साल में चाहे छह बार आठ बार दस बार प्रभु के लिए भी कुछ एकदम विशेष चीज बनाकर उन्हें आप अर्पित करें। यह हमारा धर्म शास्त्र कहता है, हमारे सनातन धर्म में इन बातों का उल्लेख है कि आप वैसे ही प्रभु की पूजा करें जैसा रहना आपको स्वयं को पसंद है। इससे आसान भाषा में अब मैं चीजों को कैसे आपकी सेवा में रखूं? फिर भी मैं प्रयास करूंगा आने वाले समय में मैं और जो भी वीडियो बनाऊं उसे और ज़्यादा आसान करके आपकी सेवा में रख सकूं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट बॉक्स में उस ईश्वर का नाम नहीं लिखे हैं, ओम नमः शिवाय नहीं लिखे हैं, तो उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें। चलिए, आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देवें। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय वस्तु के साथ मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय।